हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, जर्नल एंट्री देखा हम लोगों ने वेंडर और परचेजर के बुक में। आज हम लोग एक फुल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पूरा जर्नल एंट्री करेंगे और कुछ नेसेसरी अकाउंट्स जो है, यानी वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और मशीन अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट हम लोग बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन आपका ये रहा, 1 अप्रैल 2013 को एक मशीन हम लोगों ने बी लिमिटेड से ख़रीदा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के तहत। कैश प्राइस मशीन का 24,000 है। पेमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 10,000, 10,000 का 3 इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट प्राइस हमारा पड़ा है 30,000 रुपये टोटल। बी लिमिटेड ने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन 10% राइट ऑफ करना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी हर साल 24,000 का 10%, 24,000 का 10%, यानी 2400 हम लोग डिविजन हर साल चार्ज करेंगे। मशीनरी अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना है और बी लिमिटेड यानी हायर वेंडर अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। चलो जी, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग पहले जैसा ही करेंगे। ईयर कैश पेड एंड बैलेंस ड्यू इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश वैल्यू। फर्स्ट अप्रैल 13 को हम लोगों ने मशीन खरीदा है, 1 अप्रैल 2013 को। तो कैश प्राइस मशीन का है 24,000। इस दिन कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। फिर हम लोग अब 31 मार्च 2014 को, एक साल जब बीत गया, तो हम लोग इस 24,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10%, 2400 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने 10,000 का पे किया है, 2400 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, 2400 का इंटरेस्ट है, तो 7,600 रुपये हम लोगों ने कैश वैल्यू का अमाउंट पे किया है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हायर परचेज में हम लोगों ने जैसा किया है, लेस कैश पेड 7,600 हम लोगों ने पे कर दिया, 16,000 24,000 माइनस 7,600 16,400। फिर 16,400 रुपये का 10%, 1640 हम लोग जब माइनस कर लेंगे तो ये अमाउंट आपका बचेगा 8,360 रुपये का। फिर 31 मार्च 2015 को हम लोग पे कर देंगे, लेस कैश पेड 8,360 रुपया, तो हमारा अमाउंट बचेगा 8,040। लास्ट ईयर हम लोग कैलकुलेट ऐसे नहीं करेंगे, 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, 8,040 रुपया कैश वैल्यू है, तो 1960 रुपया हमारा इंटरेस्ट है। इसको हम लोग पहले जैसा अगर करना चाहें तो ये इस तरह से निकल सकता है। तो 3 साल का हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया है। अब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ
डेप्रिसिएशन, कैश वैल्यू 24,000 रुपये का है और एनुअल डेप्रिसिएशन 24,000 का 10%, 2400 रुपया हर साल का डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 2400 रुपया, क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। चलो करेंगे जनरल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ परचेजर, पहला तो फर्स्ट अप्रैल 13 को हम लोगों ने मशीन खरीदा है, तो फर्स्ट अप्रैल 2013 को मशीन खरीदा है, तो मशीन अकाउंट डेबिट और टू वेंडर अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। 24,000 का मशीन है, इंटरेस्ट है 6,000, 30,000 का एंट्री हम लोग को डालना है। डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं है इस डेट को, तो फिर हम लोग एक साल वेट करेंगे और 31 मार्च 2014 को फिर अब हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या होगा जी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 2400 रुपया है। इसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे सेम डेट को, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, इसके बाद डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 2400 रुपया। इन दोनों को अब हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉसेज है, यानी डेबिट आइटम है। जब हम लोग इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट करना होगा, तो फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2400 का इंटरेस्ट है, 2400 का डेप्रिसिएशन 4800। तो ये एंट्री हमारा फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, 13-14 के लिए। इसके बाद 31 मार्च 2015 को फिर अब हम लोग एंट्री करेंगे। पहले तो अब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, दूसरे साल का इंटरेस्ट 1640 रुपये का है, दूसरे साल का इंटरेस्ट तो भाई 1640 है जी, हाँ ठीक है 1640 है दूसरे साल का इंटरेस्ट। फिर अब हम लोग पेमेंट कर देंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 का इंस्टॉलमेंट है सारा। इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट
हर साल का डेप्रिसिएशन 2400 होगा क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। दोनों को हम लोग अब पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है 1640, 2400 रुपये का है हमारा डेप्रिसिएशन, 4040 रुपया। थर्ड ईयर 31st मार्च 2016 को पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, तो फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 1960, फिर पेमेंट करना है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,000 का इंस्टॉलमेंट तीसरा भी है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2400 रुपया है हर साल का, और लास्ट में फिर हम लोग दोनों को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 1960 और 2400। तो ये 3 साल का हम लोगों ने कर लिया है जर्नल एंट्री। चलो, इसके बाद हम लोगों को जो नेसेसरी अकाउंट करना है, नेसेसरी अकाउंट जो बनाना है, नेसेसरी अकाउंट में सबसे पहले अपने को बनाना है, सबसे पहले हम लोग बना लेंगे नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो सबसे पहले तो मशीन अकाउंट बना लेते हैं, मशीन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट आप डाल लेना। मशीन जब हम लोग परचेज करते हैं तो एंट्री डालते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो मशीन डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेंडर, और अरे वेंडर का नाम बी है ना, और प्लीज़ जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ वेंडर लिखा है हम लोगों ने, मैंने वहाँ आप लोग बी लिख लेना प्लीज़, बी लिमिटेड। तो खैर, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, तो लिखेंगे हम लोग टू बी लिमिटेड अकाउंट। 24,000 का मशीन, कैश प्राइसिंग यहाँ पर आता है 1 अप्रैल 2013 को हम लोगों ने मशीन खरीदा है, 1 साल मशीन हम लोगों ने यूज़ किया, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये 31st मार्च 2014 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2400 रुपया 1 साल का डेप्रिसिएशन, सेम डेट को बाय बैलेंस सी डी 21,600। टू बैलेंस बी डी 21,600 1 अप्रैल 2014, फिर 31st मार्च 2015 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
2400 रुपया, फिर से बाय बैलेंस सीडी 21600। माइनस 2400, 19200। टू बैलेंस बीडी 19200, ये 1 अप्रैल 2015, फिर 31 मार्च, 31 मार्च 2016 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2400, सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी 19200 माइनस 2400, 16800। फिर हम लोग 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस बीडी कर सकते हैं 16800। तीन साल के लिए हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना था, हम लोगों ने बना लिया। अब वेंडर अकाउंट, इसके बाद हम लोग बनाएंगे वेंडर अकाउंट। वेंडर बोले तो बी लिमिटेड अकाउंट। वेंडर है ये, चलो जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट आप डाल लेना प्लीज। अब हम लोग लिखेंगे वेंडर अकाउंट। तो एंट्री हम लोगों ने क्या किया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री डालेंगे बाय मशीन अकाउंट 24000, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ये हो गया 30000। 1 अप्रैल 2013 को ये घटना घटा है। इसके बाद अब हम लोगों ने कुछ डाउन पेमेंट नहीं किया है, डायरेक्ट हम लोगों ने पेमेंट किया है इंस्टॉलमेंट का। तीन इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट 10000 के हैं। पेमेंट करेंगे तो अच्छा, ये बी लिमिटेड जो है ना वेंडर, हमारे लिए एक तरह का क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मीन्स के लाइबिलिटी है। जब बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो हम लोगों ने मशीन खरीदा तो हमारा ये क्रेडिटर बन गया 30000 का, 24000 मशीन के लिए, 6000 इंटरेस्ट के लिए, 30000। हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमारा लायबिलिटी घटेगा, तो फिर डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने 10000 का पेमेंट कर दिया, फिर 20000 हमारा ड्यू अभी भी है टू बैलेंस सीडी, ये 31 मार्च 2014 को है, बाय बैलेंस बीडी 20000, 1 अप्रैल 2014। यहाँ हम लोग इंटरेस्ट जो ड्यू करते हैं हायर, जो हम लोग हायर परचेज सिस्टम में क्या करते थे, इंटरेस्ट ड्यू हम लोग यहाँ पर करते थे। यहाँ हम लोग इंटरेस्ट ड्यू नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एंट्री हमारा यहाँ होता है हर साल का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो इंटरेस्ट वाला जो जर्नल एंट्री है वो ट्रांसफर होकर के हमारा इधर पोस्ट होकर आता ही नहीं है,
हायर परचेज सिस्टम में हम लोग करते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इसीलिए हायर वेंडर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट आता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो हम लोग टोटल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से एक बार डेबिट कर देते हैं और हर साल हम लोग उसको थोड़ा 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 इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट करते रहते हैं। खैर, तो अब हम लोग का यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस बी डी 20,000 और पेमेंट हम लोग डायरेक्ट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 10,000 का, तो बैलेंस बचा रह जाएगा 10,000। थर्टी फर्स्ट अप्रैल 2015 बाय बैलेंस BD 10,000 का बैलेंस है, पेमेंट कर देना है लास्ट इंस्टॉलमेंट टेन थाउजेंड का। थर्टी फर्स्ट मार्च 2000 2016 टोटल पेमेंट हो गया है, तो ये अकाउंट भी हमारा फिर तो कंप्लीट है जी। चलो, इसके बाद हम लोग बना लेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जैसा कुछ भी हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम में नहीं पढ़ा है, वहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जैसा कुछ होता नहीं था, यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस है तो हम लोग करेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस है क्या सर? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कहता है कि जब हम लोग कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को एट द टाइम ऑफ साइनिंग अग्रीमेंट और एट द टाइम ऑफ बाइंग, जो भी कह लें, उसी दिन जो है हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को अपने यहाँ डेबिट कर लेते हैं एज एन एक्सपेंसेस और लॉसेज। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हम लोग कर लेते हैं, हर साल हम लोग उसको इंटरेस्ट के अमाउंट से कैंसिल करते रहते हैं। तो इंटरेस्ट सस्पेंस पहले साल जितना से डेबिट होता है, हर साल इंटरेस्ट ड्यू वाले एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, और वो इंटरेस्ट सस्पेंस पूरा का पूरा अमाउंट कैंसिल हो जाता है, बचा रह जाता है आपका इंटरेस्ट अकाउंट। खैर, तो अब हम लोग बना लेते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने किया है मशीनरी अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हम लोगों ने किया है टू वेंडर। तो इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेंडर, वेंडर का नाम है बी लिमिटेड। चलो जी, बी लिमिटेड लिखेंगे अपन, टू बी लिमिटेड। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6,000। ये है ये फर्स्ट अप्रैल को ही हम लोगों ने ये एंट्री किया है, फर्स्ट अप्रैल 2013 को, जिस दिन हम लोगों ने एसेट्स यानी मशीन बाय किया है। इसके बाद 31 मार्च को हम लोगों ने इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री किया है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 2,400, 31 मार्च 2014 बाय बैलेंस CD 2 बैलेंस BD 3,600 रुपये का इंटरेस्ट अभी भी बचा है, ये 1 अप्रैल 2014। अब हम लोग फिर से 31 मार्च 2015 को एंट्री डालेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट।
सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 1640 रुपया, बैलेंस बचेगा 1960 बाय बैलेंस सीडी 3600 का टोटल। टू बैलेंस बीडी 1960 रुपये का 1 अप्रैल 2015, पेमेंट फिर हम लोग का इंटरेस्ट होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1960 और लास्ट ईयर जो है ये हमारा 31 मार्च 2016 को 1960 रुपया जो हमारा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस था वो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया और ये मतलब ड्यू हो गया और लास्ट ईयर ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा सेटअप हो गया। चलो जी, तो ये आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। हम लोगों ने आज जर्नल एंट्री कर लिया और तीन नेसेसरी अकाउंट यानी वेंडर अकाउंट, मशीन अकाउंट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हम लोगों ने बना लिया। तो चलो जी, आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, क्वेश्चन के साथ जर्नल एंट्री सारा एक साथ आ गया है और अब आपका ये जो नेसेसरी अकाउंट्स है इसमें तीनों अकाउंट तो एक साथ नहीं आ सकता है, आप दो अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार में और फिर लास्ट में बचा आपका ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का एक बेसिक सा क्वेश्चन किया है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन सीखा, तीनों नेसेसरी अकाउंट बनाया, जनरल एंट्री किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कोई दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।